हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे ब्लॉग्स भी देख रहे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है शाम से स्टार्ट। अभी शाम तो नहीं, करीब कितने बज रहे होंगे, 3:30-4 बज रहे हैं। 3:30-4 दोपहर होती है, बच्चे कहेंगे दोपहर होती है, मुझे लग रहा है शाम होती है। कू कू कोयल बोल रही है और बच्चों को लग गई है थोड़ा भूख, कहते हैं ना, कोई कह रहा है चीले बनाओ, कोई कह रहा है, देखिए कोयल, कोयल की आवाज़ हमारे घर में बहुत अच्छे से सुनाई देती है। इस मौसम में कोयल बोलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में ही चीले का जो है बैटर घोल के रखा हुआ था, मगर चीले का बैटर घोल के रखा और पता चला कि तवा तो ख़राब हो गया है, तो पता नहीं चीले बनेंगे कि नहीं। मैं ट्राई करती हूँ उसी पर। और दूसरा नया जो है वो कहाँ रखा है वो ध्यान नहीं है, पूरा सेट निकालना पड़ेगा, याद भी नहीं है मुझे कि कहाँ रखा हुआ है, तो अभी उसका तो कुछ हो नहीं पाएगा। बनाती हूँ मैं चीले पुराने तवे पे। चीले मैंने इसलिए घोले थे कि झाजी आने वाले हैं, यानी कि दामाद बाबू आने वाले हैं, वो चले गए थे कल, क्योंकि ऑफिस का जो लैपटॉप वगैरह है सब कुछ उनका वहीं था घर पे, बोल के गए थे कल आता हूँ, मगर आज फिर से उनको कोई अर्जेंट काम आ गया था तो आए नहीं। तो बैटर मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा वो नहीं आए हैं, झाजी आएंगे तभी बनाऊँगी। तो अभी गोलू और मुन्नू दोनों भाई बहन बोलने लगे कि बनाओ बनाओ, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, और बाद में पता चला अभी बना ही देते हैं बोल के आई हूँ, तो कॉल आ गया झाजी का कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है देखते हैं वो भी आते हैं तो उनको भी खिलाएंगे चीले। बनाती हूँ मैं चीले, बने रहिए हम मेरे साथ एंड तक। और यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, बेसन तैयारी हो गई है, डन। बेसन है और क्या है इसमें? बेसन है, थोड़े थोड़े मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, एक एक चुटकी, ज्यादा नहीं। देखते हैं तवा मेरा काम आता है, करता है कि नहीं, साथ देता है कि साथ छोड़ देता है। बस मेरे हिसाब से इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा तेल ज्यादा डाला है इसी वजह से कि ये काम कर जाए, क्योंकि तवा बन जाएगा। हाँ। और वो टमाटर प्याज काटे हैं, वो धनिया काटा है, टमाटर प्याज विद पनीर। अच्छा, पनीर भी है? हाँ जी। ओके ओके, ये मिक्स कर लेते हैं एक साथ ही। और अगर चीला नहीं बन पाया तो उसका क्या करेंगे? चीला नहीं बन पाया तो मैं इसको इसमें मिला के बना दूंगी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चीला तो नहीं बनेगा क्योंकि ये फूल गया। हाँ। है ना, चीला नहीं बनेगा, जो सोचा था वैसा नहीं बनेगा, बट हाँ चीला का भाई बहन बन जाएगा। हाँ ठीक है ना। कोई नहीं, सुनो ना। हाँ सुनाओ ना। ये बस निकल जाना चाहिए, मोटा मोटा भी चलेगा ये। हाँ हाँ, है ना, अच्छा लगता है मोटा। हाँ, बेसन है, बेसन तो पक जाता, तो आप बनाइए और देखते हैं क्या होता है इसका। हाँ, इसको क्या करते इससे हैं? मत करो ना, अब कौन सा नॉनस्टिक रह गया है। सही कह रहे हो, बिल्कुल। जांच ले लो। हाँ जी, ले लेती हूँ, पहले इसको चक्कू से काटती हूँ, इसका ऑपरेशन करती हूँ। ये देखो बन जाएगा, बन जाएगा, एक दो अगर तेल डाल के बन जाएगा, लग रहा है। ऐसे ही मोटा मोटा बना दो। इस तरह से तो सीखी गया मम्मी, पूरा पलटना भी नहीं, बस फोल्ड कर देना। झांझ ढूंढ लो, रख देती है ना धो के, समझ नहीं आता सच। झांझ ढूंढ लो और चलो खाते हैं हम जुगाड़ू चीला। यहाँ देखिए मम्मी बना बना के खुद ही खाई जा रही है। कैसा बना है? तो कैसा बना है? एक दो पहले वो होते हैं, चिपके, बाकी सही बने। गोलू की तो देखो ना लाइव क्लास चल रही है। आ जा भाई खा ले, दे दे बहन उसको, तो उसके कोबर घर में सब कुछ दे दो। चलिए ये अच्छा, ये पहला वाला होगा ना, ये दोनों सही है ना, ये सेकंड थर्ड। चलिए बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। कार्टून ही ऐसे दे दो, ला रही हूँ मैं। देखो ये फिलिंग देखना इसकी कितनी मस्त हुई है। ये भी उसको ही दे दो, ठीक है, एक आप खाओ, मैं अभी जो बनेगा की चटनी। हाँ अभी जो बनेगा वो मैं खा लूंगी। धनिया नाली, वाह वाह वाह, एक फोटो ले लेती हूँ मैं इसकी, ऐसे ही ऐसे रखना। हाँ एक आप भी देखो, आप देखिए पसीने पसीने, यस, थोड़ा सा नीचे। हाँ ठीक।
तेरे होते किसका डर, तू ऐसे रहो, देखो इधर। हाँ, लिप्स में वैसलीन तो तू भर भर के लगाता है। भाई तेरे लिप्स इतने पिंक वैसलीन ही लगाने से है या कुछ और भी करता है भाई? वैसलीन ही, कोई लिप स्क्रब या कुछ एक्स्ट्रा? सिंपल वैसलीन, हमें तो लिपस्टिक लगानी पड़ती है मुझे ठीक लगता है ना। पता है क्या, है टेक केयर। अच्छा तो आ जाओ अपने सिंहासन से, सॉरी उठ जाएं, अपने सिंहासन को छोड़ें। और ये देखो मैंने मम्मी का सूट पहना है, मम्मी का सूट कितना अच्छा लग रहा है ये। अब मम्मी को नहीं आता, सारे मम्मी के सूट में हथियाने वाली हूँ। सुंदर सुंदर देखो, इधर देखिए सारा सब कहा है, मेरे को नहीं दिया ये रहा मेरा गोलू आया। बेसन का चीला देखते ही इसका मूड ना अजीब सा हो जाएगा। इसको सूजी और प्याज का बहुत अच्छा लगता है, सूजी दही प्याज डाल के चीला। इसको भी बनाना आता है, ये रहा ये। सूजी के क्यों नहीं बनाए, तन 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 करके आया और जैसे ही एक बाइट ली, अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा तू गुस्सा किया कर। अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा है। अब मम्मी देखो कितनी अच्छी फोटो आ रही है, देखो इधर। बहुत टेस्टी, मतलब मैं ना अपना बहुत स्पेशल देना चाहती हूँ। आज ये ना वैसा नहीं लग रहा मम्मी। कैसा इतना गजब का लग रहा है ना, ऐसा चीला खाया कैसा नहीं है। कैसा बेसन 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 का बेसन नहीं लग और रहा? कच्चा कच्चा स्वाद नहीं लग रहा, बहुत सही लग रहा है। ठीक है, बहुत चटनी तो अच्छी बात बनाई है। है मम्मी ने। तो हम जल्दी एक स्टार्टअप भी खोलने वाले हैं। हाँ, जिसपे मम्मी मरेगी। मम्मी के हाथों का आपको मिलेगा सबको। इसलिए बोलती हूँ कि कुछ आप खुद नहीं करना है, हम ही खोलेंगे। चीला तो आपने बनाया ना। हाँ। हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। चलो ऐसे करो। दोनों की एक फोटो खींचती हूँ साथ में। यही रुकना पड़ेगा। आ गए आप? रिकॉर्ड नहीं हुआ सही ढंग से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। लैपटॉप लेके नहीं आए हैं? अच्छा चलो लेके आए हैं लैपटॉप। चीज दिखाती हूँ सबको लाइव। ये मैंने इसके लिए मर के मर खट के कहते हैं ना, सोक किया हुआ ड्राई फ्रूट था वो बनाया। इसका मुंह जरा देखना, इधर आके दिखना है मुझे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पीके दिखाओ फिर। सुनो मैं पी लेती हूँ। इन्होंने इसमें एक और काम किया, बोले नारियल डाल दिया। कौन सा नारियल? तो क्या हो गया, नारियल पानी अच्छा नहीं पीते हैं? हाँ ये सही है। पूरा खत्म करो। ठीक है, चाटा लगेगा। ये तो कितना टेस्टी लग रहा है। पता है ये बैकग्राउंड ना पहली बार हमारे ब्लॉग में आएगा। हाँ? इससे पहले कभी नहीं ये आया। इधर पता नहीं क्या ही इन्होंने डाल दिया। हाँ, शांति से सब कुछ। लड़की बहुत पिटेगी, जल्दी पियो। जीजू आए नहीं खाते, दादी स्टार्ट हो गए। नहीं तुझे नहीं खिलाया, ऐसे मत बोल। ये देखो हाजी के लिए अलग शेप मैंने बनाया है, ये वाला अच्छा वाला, अच्छा वाला शेप। तुम लोगों को तो ऐसे ही दे देती हूँ बना के। हमें तो कुछ भी बना देती हो आप। बोलो ऐसे मत बोल बेटा। पहली बार हमारा फ्रिज देखेंगे आप, सब देखो सब कुछ रखा हुआ है इसमें। कुछ भी नहीं है उसमें। और कोई कोलैबोरेशन नहीं है गोदरेज की तरफ से हमारा। अमूल ब्रांडिंग ने भी हमें कुछ नहीं दिया है। मम्मी दूध बहुत फाड़ती है, रख के फ्रिज में भूल जाती है कौन सी लेट का दूध है। देख लो चाय में कलर नहीं आया। कलर नहीं आया, जल्दी जल्दी। ये जीजू का है नाश्ता, हेल्दी हेल्दी नाश्ता खिला रही हूँ दामाद जी को, ताकि फिट हो जाए। और ये चटनी फिट हो जाए। जैसे पहली बार कोई देखने नहीं आता। हाँ लो चाय लेके जाओ। दो दिन में सूख गए। हाँ कल मना कर रही थी मत जाइए, बात नहीं मानते बिल्कुल भी मेरी मेरी भी नहीं। आप तो खैर बात
माने या नहीं माने, आप दोनों का वो पर्सनल है, मेरी भी नहीं मानी। मैंने कहा कल की छुट्टी लेके आज कर लेते, बहुत कोई बात नहीं। और यहाँ पर सभी को नाश्ता पानी कराने के बाद मैं आगे थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, है ना, उसके बाद फिर करते हैं काम। गोलू मुझे देख रहा है, गोलू देख के गोलू को लगता है बस मम्मी मुझे ना रिकॉर्ड कर ले। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, देखिए प्रिया के मतलब प्रिया का नाम लिख गया था इस चीले पे। कैसा लगा, झूठी तारीफ कर दो कैमरे के आगे। और मुन्नू बना के लाई है चाय। यहाँ पे देखिए मम्मी ने, यहाँ हम दोनों बहनें अपने एक दूसरे का सुख दुख बतिया रहे हैं। हाँ, और आज से ये मेरी मौसी है। इन्हें प्रिया दीदी नहीं बुलाऊंगी। मैंने बहन है मेरी, रिलेशन दो दो तरफ से रिश्ता है, अब बहन का रिश्ता है यहाँ पे। हाँ। काम निकलवाना और दूसरा भांजी का रिश्ता है। हाँ। नहीं, दूसरा तो भगिनी का रिश्ता, भगिनी का। अच्छा, ओके, तभी मैं दीदी बोलती हूँ ना। हाँ, काम निकलवाने के लिए बहन का रिश्ता। हाँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत सही। और दीदी बहुत सही गजब की रोटी बना रही है, पतली पतली। पे झाजी आए हैं तो ये चीज तो दिखती दिखती है हमारे खाने में, उसके अलावा कुछ भी बना सकते हैं मम्मी। कोई नहीं, या नहीं बन रहा है कुछ इसके अलावा। हाँ। दूसरी जो होती है ना वो हाँ। समझ लो बस काम चला होती है। मेन हमारा यही है, मेन यही होता है, ये डिश बनती है। आप पनीर की सब्जी रख दोगे पहले भुजिया खत्म होती है, उसके बाद। और क्या क्या बनाया मम्मी ने, दाल बनाई है और है सीताफल की सब्जी, बड़ी है, और चावल बने हैं और रोटी बनी है। बिल्कुल पथ वाला खाना दिया जाएगा, ठीक है, ओके। मैंने क्या किया, लेटी हुई थी, मैंने कहा मधु जल्दी नीचा, जल्दी नीचा जाइए कर, तू ये वाले दे ना गंदी लड़की। मतलब ये देखो, इसको पता नहीं था, सब पता था, छोरी बहुत नालायक है। ये यहाँ तक आ जाएगी। जब शादी होने वाली होती है ना। और खाना पीना खाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे प्रिया को ड्रॉप करने, तो खा रहे आइसक्रीम, पार्टी चल रही है। मैं नीचे आई इसी शर्त पे भी आइसक्रीम, मुझे डरा के बुलाया इन्होंने, फोन किया कह रहे जल्दी से नीचे आ जा तू। मैंने कहा फटाफट फटाफट, दीदी कहाँ हो। और मुन्नू थक गई ना खड़े खड़े, हम लोग वॉक करते करते थक गए है ना, इतना किया कि पूछो नहीं, चार कदम चल के सच में। और मधु सब ठीक है, चलिए मम्मी, चल बढ़िया, चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय। कौन तो होने दो, बाय बाय गाइस, बहुत अच्छा लगा। हां, स्कूल के बहुत अच्छे हैं इन्होंने अभी, ठीक है।